नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको न्यूरेल्जिया मतलब नसों के दर्द की जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगा। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे शरीर के हर एक इंच में नसें होती हैं और नसें हमारे दिमाग और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकल के पूरे शरीर में फैल जाती हैं। दोस्तों, अगर किसी कारणवश नसों में दर्द होता है तो उस कंडीशन को हम न्यूरेल्जिया बोलते हैं। दोस्तों, न्यूरेल्जिया एक कॉमन शब्द है, एक आम शब्द है जो कि हर नस के दर्द के लिए बोला जाता है। लेकिन दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आपके पूरे शरीर के नसों में दर्द हो तभी हम उसे न्यूरेल्जिया बोलें। अगर आपको एक नस में दर्द होता है या दो से ज़्यादा नसों में दर्द होता है या ग्रुप ऑफ जो नस होती हैं, गुच्छे में नसें होती हैं, उसमें दर्द होता है तो हम नस के नाम के बाद न्यूरेल्जिया बोल देते हैं। जैसे कि अगर आपको ट्राइजेमाइनल नस में दर्द होता है तो हम ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया बोलते हैं, और अगर आपको इंटरकॉस्टल नर्व्स में दर्द होता है, एक ग्रुप ऑफ नर्व्स में दर्द होता है, तो हम इंटरकॉस्टल न्यूरेल्जिया बोलते हैं। दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि न्यूरेल्जिया होता क्या है। दोस्तों, अब चलते हैं कि न्यूरेल्जिया होता क्यों है। दोस्तों, हमारी नसें मोस्टली स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए चारों तरफ हमारे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं और ब्रेन से होते हुए हमारे चेहरे और हमारे गले तक जाती हैं। अगर जहाँ से वो निकलती हैं और जहाँ तक वो जाती हैं उस बीच में कहीं कोई प्रॉब्लम होती है, मतलब वहाँ पर इन्फेक्शन होता है या इन्फ्लामेशन होता है या किसी भी कारणवश नस दब जाती है, तो नसों में दर्द होना चालू हो जाता है। ये आम कॉज है नसों के दर्द का। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एग्ज़ाम्पल दे के समझाता हूँ। आपने L4-L5 वर्टिब्रा में बल्जिंग के बारे में सुना होगा। दोस्तों, इस कंडीशन में जो L4-L5 वर्टिब्रा है वो नसों को दबाता है, और जिस नस को दबाता है वो नस जहाँ जहाँ तक जाती है वहाँ वहाँ तक आपको न्यूरेल्जिया होता है, नसों में दर्द होता है। दोस्तों, अब चलते हैं साइन एंड सिम्टम्स, लक्षण की तरफ। तो जैसे ही नाम से समझ में आ रहा है कि नर्व में, नसों में दर्द होता है, तो सबसे पहले जहाँ भी न्यूरेल्जिया होगा, मान लीजिए अगर आपको ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया होता है तो ट्राइजेमाइनल जो नर्व होती है वो हमारे चेहरे में फैली हुई होती है, तो जहाँ भी वो नर्व जाएगी और जहाँ तक वो नर्व जाएगी वहाँ आपको दर्द होगा। दर्द आपको लगातार हो सकता है, हमेशा बना रह सकता है, या किसी किसी समय पे हो सकता है, जैसे दोपहर में बढ़ जाए या शाम को बढ़ जाए। और दर्द जो है वो बहुत तेज़ होगा, शार्प पेन होगा और इलेक्ट्रिक टाइप ऑफ पेन होगा, मतलब ऐसा लगेगा किसी ने करंट आपको लगा दिया हो, बिल्कुल करंट जैसा लगेगा। बहुत तेज़ दर्द होगा और हो सकता है कि आपका जो जबड़ा है वो थोड़ा सा ऐसा स्पाज्म कर जाए या रोने लगे, इतना तेज़ दर्द होता है। तो न्यूरेल्जिया में दर्द जो है वो बहुत शार्प होता है, हो सकता है कि आपको हमेशा हो सकता है कि कुछ देर तक हो। तो ये डिपेंड करता है कि क्या प्रॉब्लम है आपको, क्या कॉजेज़ हैं, क्या कारण है। ये था आम लक्षण न्यूरेल्जिया का। अब चलते हैं जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ। तो दोस्तों, ये जर्मन होम्योपैथिक मेडिसिन है R70, R70, बहुत ही इफ़ेक्टिव ये मेडिसिन है। डॉक्टर रेकवेक की आर ग्रुप की ये ड्रॉप है R70, न्यूरेल्जिया के नाम से ही आती है, और आप किसी भी तरह के न्यूरेल्जिया में इसे दे सकते हैं, चाहे वो इंटरकॉस्टल न्यूरेल्जिया हो, चाहे वो फेशियल न्यूरेल्जिया हो, चाहे वो ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरेल्जिया हो, चाहे वो शियाटिका की प्रॉब्लम हो। तो अगर आपके नसों में दर्द है तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन डली हुई हैं, उसके बाद मैं आपको इसको यूज़ करने का, लेने का तरीका बताऊंगा, लास्ट में मैं अपना ओपिनियन दूंगा, और सबसे लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि ये आपको कहाँ पर मिलेगी और इसकी कितनी प्राइस है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी मेडिसिन डली हुई हैं। सबसे पहली मेडिसिन है सेड्रॉन। दोस्तों, ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरेल्जिया, फेशियल न्यूरेल्जिया, ट्राइजेमाइनल न्यूरेल्जिया और कुछ और न्यूरेल्जिया होते हैं जिनके जो पेन होता है वो एक टाइम पे आता है, जैसे शाम के शाम हो या कुछ आप ज़्यादा टेंशन ले ले तब हो, तो एक पैरोक्सिमस में आता है, एक समय पे आता है और बहुत तेज़ दर्द होता है। इसके लिए सेड्रॉन बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दूसरी मेडिसिन है कोलोसिंथ। दोस्तों, कोलोसिंथ के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये शियाटिका के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। बिल्कुल फटने वाला दर्द, ऐसा लगे कि फट रहा है, बिल्कुल बहुत तेज़ से फट रहा है, और कोई दबा दे तो आपको आराम लगे, तो कोलोसिंथ
बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। दोस्तों एक मेडिसिन है कालमिया। दोस्तों कालमिया अगर आपको न्यूरेल्जिया है, अर्थराइटिस के साथ साथ, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। चाहे वो रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो, चाहे वो अर्थराइटिस हो, चाहे वो गाउट की प्रॉब्लम हो, उसके साथ आपको न्यूरेल्जिया है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है। बहुत तेज़ दर्द होता है, बहुत शार्प पेन होता है और बिल्कुल फटने जैसा दर्द होता है। तो ये लक्षण हो तो कालमिया आप ले सकते हैं। तो लास्ट में इसमें बर्बेस्कम डली हुई है दोस्तों। ये मेडिसिन इंट्रा ऑर्बिटल न्यूरेल्जिया और सब ऑर्बिटल न्यूरेल्जिया के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। दर्द बहुत ज़्यादा हो, उसके साथ आपको जलन हो और साथ ही साथ जहाँ पर न्यूरेल्जिया हो उस जगह से आप काम न कर पा रहे हो, मान लीजिए अगर मुझे हाथ में दर्द हो रहा हो और मैं ये हाथ उठा भी नहीं पा रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ और सुन्न भी पड़ गया है, तो वर्बेस्कम बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। ये थी R70 में डली हुई मेडिसिन। अब चलते हैं इसे यूज़ कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर आपको बहुत तेज़ दर्द है, मान लीजिए आपको ट्राइजमाइनल न्यूरेल्जिया का अटैक आया हुआ है और बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, तो क्या करना है, अगर आपके पास R70 पड़ी हुई है तो 1/4 कप पानी लेना है, 1/4 कप ऑफ वाटर लेना है, थोड़ा सा लगभग 10 ml के बराबर पानी लेना है और R70 10 से 15 बूंद डालना है, उसको पीना है। हर 10-10 मिनट में आपको पीना है। 1 घंटे के अंदर आपका न्यूरेल्जिया पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, उससे जल्दी ही आपको आराम लग जाएगा। अगर आपको शियाटिका है, बहुत तेज़ दर्द है, तब भी आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। अगर आपको ट्राइजमाइलर न्यूरेल्जिया या फेशियल न्यूरेल्जिया या कहीं भी नसों में तेज़ दर्द है तो आप ये मेडिसिन 10-10 मिनट में ले सकते हैं, बहुत ही जल्दी आपको आराम लगेगा। अब चलते हैं कि अगर आपको ट्राइजमाइनल न्यूरेल्जिया है या ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरेल्जिया है या इंटरकॉस्टल न्यूरेल्जिया है या कहीं भी न्यूरेल्जिया है, काफ़ी दिनों से है, सालों से, तब आप ये मेडिसिन कैसे लें, या शियाटिका में भी आप ये मेडिसिन कैसे लें, तो आप R70 लगभग वही 1/4 कप पानी, मतलब 10 ml पानी में आपको लेना है। अगर गुनगुना पानी मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर गुनगुना पानी नहीं मिलता है तो नॉर्मल पानी में भी आप ले सकते हैं। तो आपको 10 ml पानी में 10 से 15 बूंद डालना है, सुबह एक बार पीना है, शाम को एक बार पीना है। ये मेडिसिन 1 महीने तक लेंगे तो आपको काफ़ी आराम लगेगा, अगर 3 से 4 महीने तक लेंगे तो न्यूरेल्जिया पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों न्यूरेल्जिया के लिए 2-3 मेडिसिंस और भी अच्छी होती हैं, जैसे कि आर्निका 200, तो मैं यहाँ पर पिक्चर लगाता हूँ। अगर न्यूरेल्जिया है तो आर्निका 200 2 बूंद सुबह शाम यूज़ करिए, बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसके साथ एक और मेडिसिन आप यूज़ करिएगा, हाइपेरिकम 200 का उपयोग ज़रूर करिए। हाइपेरिकम 200 2 बूंद सुबह पीजिए और 2 बूंद शाम को, डायरेक्टली टंग में पीना है, 2 बूंद ऐसे डालिए सुबह और शाम। तीनों मेडिसिन में 10 से 15 मिनट का अंतर ज़रूर दीजिएगा, आपका न्यूरेल्जिया 1 महीने से लेकर 3 महीने के अंदर पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा, चाहे वो ग्लॉसोफेरेंजियल न्यूरेल्जिया हो, चाहे वो शियाटिका हो, चाहे वो इंटरकॉस्टल न्यूरेल्जिया हो, चाहे वो फेशियल न्यूरेल्जिया हो। दोस्तों ये मेडिसिन R70 आपको होम्योपैथिक शॉप में मिलेगी, 22 ml की ये फाइल में आती है और 230 रुपये की ये आपको होम्योपैथिक शॉप में मिल जाएगी। ऑनलाइन भी आप इसे ले सकते हैं, बहुत सारी ऑनलाइन वेबसाइट है, गूगल में सर्च कर लीजिएगा R70 डॉक्टर रेकवेक, आ जाएंगी वेबसाइट। दोस्तों आशा करता हूँ कि अगर आपको न्यूरेल्जिया हो तो आप R70 यूज़ करें, और R70 यूज़ करें तो आपको आराम लग जाए। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा, यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए, उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों अगर आपको इस तरह की बीमारी है तो मेरे चैनल में जाके बीमारी के बारे में जान सकते हैं, उसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जान सकते हैं। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दिया गया तो अपने फेसबुक और व्हाट्सएप अकाउंट में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों नीचे कमेंट सेक्शन है तो मैसेज जरूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय।